इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय पैनलिस्ट हूँ और आज यहाँ पर हम पिछले 17 घंटों से यहाँ धरना दे रहे हैं, सत्याग्रह है, क्योंकि जो मृतका है उसकी पोस्टमार्टम की जो दो रिपोर्ट आई थी उन दोनों में डिफरेंस था, तो उसके कारण हम ये चाहते थे कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो इसके ऊपर एक मेडिकल बोर्ड बिठाएं जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सा वाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है और उसकी पूरी तरह से पड़ताल हो सके। तो उसमें ऐसा हुआ कि यहाँ पर शायद एक SOG कहलाते हैं, वो सिविल ड्रेस में थे, वो पुलिस के यूनिफॉर्म में नहीं थे, उन्होंने काफ़ी महिलाओं के साथ ज़्यादा धक्का मुक्की की, थोड़ी बदतमीज़ी भी की, ऐसा मुझे बताया गया है कि उन्होंने ही इस केस में पूरे उसको डिग आउट किया था, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और वो जब दबाव बना रहे हैं उस परिवार के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप अभी के अभी जो बॉडी है उसको रेफ्रिजरेशन में डालिए, और वो उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे क्योंकि परिवार के अंदर उनके ऊपर भरोसा नहीं था और वो सुन नहीं रहे थे। और जब हम उनको मना कर रहे थे तो उन्होंने धक्का मारा, ये जानते हुए भी मारा कि हम किससे कौन सी महिलाएं, वो सब जानते हुए भी उन्होंने असभ्यता की। और उनके बिहाफ में उनके जो सीनियर हैं SP साहब, उन्होंने महिलाओं से माफ़ी मांगी लेकिन वो इस जगह से नदारद हो गए। मैं समझती हूँ ऐसे अधिकारी जब हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं तो वो दलितों के साथ क्या करते होंगे, ये बहुत सोचने की बात। क्या उनके साथ महिला पुलिस या कुछ ऐसा कोई नहीं था? उनके साथ महिला पुलिस पीछे खड़ी हुई थी, लेकिन वो और उनके साथ दो और लोग थे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो बदतमीजी कर रहे थे, और उसके अलावा जो सिटी मजिस्ट्रेट थी वो भी इस तरह से ही व्यवहार कर रही थी। उनका व्यवहार भी थोड़ा सा इस तरह का था कि वो किसी की बात नहीं सुनना और अपनी अपनी चलाना, जबकि बात आपसी तौर पर ऑलरेडी कर ली गई थी SSP साहब से और बाकी लोगों से। तो इस व्यवहार को लेकर आगे आप लोग क्या कुछ नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये देखने की बात है, ये हम सब लोगों के पहचानने की बात है कि अगर हम जैसे लोगों के साथ ये पुलिस के अधिकारी इस बदतमीजी से बोलते हैं तो ये दलितों के साथ क्या करते होंगे, किस तरह से दबाते होंगे, किस तरह से इनके ऊपर दबाव डालते होंगे, ये हमारे सोचने की बात है और ये आपको आगे लाना चाहिए।